चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे यहाँ तो लोक दल ही जीतेगी और लोक दल के सभी आदमी यहाँ ठीक हो सुनो थे इनके भी थे इनकी भी वोट पर भाई नोदाई हमारे बच्चे काम है इतना करना काम है। गन्ने का भाव कैसे बढ़ाऊंगे? 20 रुपए बढ़ाए। 20 रुपए के मैं ऊँ तो बढ़ा 20 रुपए का क्या हो। मायावती ने 40 रुपए बढ़ाए थे एकदम भाई। यहाँ दब दबाया जयंत का पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मुजफ्फरनगर से गठबंधन में 7 सीट मिली। 7 तो जीतता गठबंधन में। क्या लगा कैसे रहे 10 साल? भाई सरकार बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। हाँ सिर्फ किसान एक ही चीज से परेशान है जो ये गए और ये बछड़े फिर रहे अन्य कोई और समस्या कुछ नहीं। मतलब 10 किलो राशन में पूरे साल पेट भर जाएगा पूरे महीना पेट भर जाएगा। अब बच्चों का स्कूल है 5000 महीना भेज जा रही और ये दूध का खर्चा चिन्ने का खर्चा कहाँ तक कक्के करेगा इस मजदूरी में। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के शामली जिले में है। बात करेंगे लोकसभा 2024 के चुनाव जो होने वाले हैं उनको लेकर। और ये कैराना लोकसभा सीट पड़ती है और हम जहाँ हैं ये शामली का सिसोली अड्डा इसको बोला जाता है। आसपास के जो गांव के लोग हैं आसपास के बहुत सारे लोग यहाँ आपको मिलेंगे और हम पता करेंगे कि भाई लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बातचीत लोगों में हो रही है, लोगों क्या मन है जी। क्या नाम कहाँ के रहने वाले? ब्रजमोहन गांव डिंडावली। अच्छा जिले मुजफ्फरनगर में पड़े। अच्छा ये लोकसभा कौन सी पड़ती है? लोकसभा मुजफ्फरनगर। ये कराना पड़ती होगी तो कराना है। अच्छा आप मुजफ्फरनगर? तो हम तो मुजफ्फरनगर के रहने वाले। तो मुजफ्फरनगर का क्या लग रहा है जी चुनाव आने वाले? बस पहले सीट क्लियर होना। सीट जो है अभी तो सीट ही क्लियर नहीं आई। अगर जयंत पावे तो कौन उम्मीदवार होगा? एक तो सीट साफ हो जा फिर दूसरा उम्मीदवार का चयन हो जा। जब भी तो पब्लिक की राय बने ना वैसे तो नहीं हो सकता राय भाई। चलो सरकार सरकार के काम सबसे बड़ा गड़बड़ जो है ये आवारा पशु है। आवारा पशु सबसे बड़ी समस्या है किसान के लिए। आप कह रहे हैं आप किसान हैं, किसान के लिए कुछ फायदेमंद नज़र आई सरकार आपके नज़रिए से? कोई खास नहीं भाई, बस एक नॉर्मल सी जैसे चलता आ रहा है ऐसे ही चलता रहा है। कभी मायावती ने बढ़ाए थे ऐसे ही 10-20 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए। 20 रुपए बढ़ाए उसमें संतुष्ट नहीं है किसान? उतने नहीं कोई संतुष्ट नहीं। उससे ज़्यादा खर्चा बढ़ गया। एक मजदूर जो मजदूरी गन्ना छीन लेगा उसे बांधेगा तो उसकी मजदूरी बढ़ जाएगी। तो 20 रुपए का किसान को कोई बेनिफिट नहीं होगा। कोई लाभ नज़र नहीं आया आपको सरकार? नहीं नहीं 20 रुपए का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो कितना होना चाहिए था आपके हिसाब से? कम से कम 50 रुपए होने चाहिए। 50 रुपए पड़ते तो 400 रुपए तो नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि महंगाई की हालत बहुत ख़राब है। क्या काम करो गुरु आप? मैं तो मिस्त्री बनने का। मिस्त्री का तो कुछ लगा हो महंगाई कुछ कैसी कोई असर पड़ा हो महंगाई का? महंगाई का तो मिस्त्री हो एक तरह से मजदूरी है आपकी भी? मजदूरी है बस और कुछ नहीं है। तो परिवार घर खर्चा चल जावे? अरे कहाँ चल रहा है खत्म हो रहा मामला सब कुछ। मजदूर आपकी मजदूरी बड़ी हो मिस्त्री में पैसे कुछ नहीं बढ़ा देला काम धंधे वगैरह से जरूरी। अच्छा वो इस फालतू भी कुछ हो सका है तो कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है रोजगार की और व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? कुछ नहीं है। आस पास कुछ फैक्ट्री है इस तरह की चीज़ें हो गई सुबह से बोनी नहीं हुई और तो देख लो और के बताओ तुम्हें। अब जाए एक बात है जब मजदूर की मजदूरी मिलने की फायदा की है इस सरकार का। लेकिन मोदी सरकार तो दावे कर रही है बहुत सारे काम कर रहे हैं। आज लोग एक भी काम नहीं कर रहा है। राशन दे रही है कि? अरे राशन तो यार पहले मिलता रहा भी मिल रहा और के चाह। मतलब 10 किलो राशन में पूरे साल पेट भर जाएगा पूरे महीना पेट भर जाएगा। अब बच्चों का स्कूल है 5000 महीना भेज जा रही और ये दूध का खर्चा चिन्ने का खर्चा कहाँ तक कक्के करेगा इस मजदूरी में। अब सुबह से भी लोग बोनी नहीं हुई तो क्या कर लगा आदमी? जो शौचालय बनाएगा गाँव के लिए अच्छे हुए ऐसे नहीं योजना बहुत अच्छी है। लेकिन वे उनके यहाँ एक सरकारी नौकर हो जो साफ सफाई रखे और तब हर आदमी उसका यूज करे। यूज भी तो जरूरी है ना। ये थोड़ा ही बना दिया आपने ताला लगा दिया। लेकिन किसान को ही समस्या है गाय की और को भी है? नहीं नहीं और किसी को नहीं है। और जो मजदूर तबका है गाय पाली और जैसे ही उसका दूध खत्म हुआ वो जो बछड़ा है उसका उसे छोड़ दिया तो वो समस्या किसान के सामने आवे क्योंकि वो किसान का ही खेत खावे।
तो मजदूर का तो कुछ नहीं बिगड़ा उसमें, क्योंकि उसके पास जमीन नहीं, जमीन तो किसान के पास ही है ना। फसल पे प्रभाव, फसल में बहुत मोटा नुकसान है। हमारा अपना जो है गेहूँ बो रखे, मान लो 6 बीघे गेहूँ बो रखे और 6 में उसमें 10-12 वे पछड़े से घूम जाओ तो मैं तो बराबर, मतलब हम क्या खाओगे, है नहीं मानते, समस्या है। तो हाँ, ये विकट समस्या है। मुझे बना लो सभा। अच्छा अच्छा, क्या नाम है, नाम बताओ। नाम संजय कुमार। अच्छा जी, तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं लगातार और सियासत गरमा रही है। सियासत गरमा रही है, जैन चौधरी का दबदबा है यहाँ, अब के संजीव बालियान का दबदबा नहीं। हाँ, ये मेरे भाई है, दो बार से सांसद है, दो बार से सांसद। वो तो हो जहाँ सांसद बनाए थे हमने, अब की बार नहीं बनाए। अच्छा, हमने ही तो बनाए थे, वोट दे के। बिल्कुल, जनता ही बनाती है, जनता ही तो बनाती है। अजिंगा को जनता का रुख हो जा बस, तक तपलट से। तो ऐसा क्या इस बार बदलाव क्यों कर रहे हैं? बदलाव नहीं कर रहे भाई, कुछ करा नहीं। गन्ने का भाव कहते बढ़ाओगे, 20 रुपए बढ़ाए, 20 रुपए के मैं हूँ तो बढ़ा, 20 रुपए का क्या हो। मायावती ने 40 रुपए बढ़ाए थे, एकदम 40 रुपए बढ़ाए थे। अखिलेश ने बढ़ाए थे 40, मुलायम ने, इन्होंने तो 20 रुपए में क्या है, 20 रुपए तो क्या कहूँ बस, 20 रुपए तो 10 रुपए गया। हाँ, कुछ नहीं है किसान, कुछ कहाँ, बिजली का रेट बढ़ा दिया, मुफ्त बताओ, मुफ्त बिजली का भाई, यहाँ जब दबाया जयंत का पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो मुजफ्फरनगर से गठबंधन में 7 सीट मिली, 7 तो जीतता गठबंधन में। हाँ, रही मुजफ्फरनगर की बात, संजीव आलियान को हरिंदर मलिक ने कहा 8 बजे आया आदमा, अगर लोक दल का सिंबल मिलता है 8 बजे आया था हरिंदर मलिक, 8 बजे संजीव अंदर का टिकट पक्का देख रहे हैं आप? भाई ये नहीं कह सकते गठबंधन में, मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, अपना अनुभव, आप कुछ कह रहे थे सरकार के बारे में, क्या लगा, कैसे रहे 10 साल? भाई सरकार बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, सिर्फ किसान एक ही चीज से परेशान है, जो ये गए और ये बछड़े फिर रहे, अन्य कोई और समस्या कुछ नहीं। भाई साहब, इन्होंने बच्चों की नौकरी सही खा गए, ये तो कह रहे हैं बढ़िया है, बढ़िया खराब है, बच्चों की नौकरी सारी खा गए। सुनो, जाटू के लड़के तो मिले, सुनो मेरी बात, जाटू के लड़के तो मिले सिस्टम में जाग रहे थे और वही काम उन्होंने खराब कर दिया सिस्टम, और क्या कर रहे हैं? तो ये अग्निवीर अच्छी नहीं लगी होगी आपको? घर बेकार, बिल्कुल बिल्कुल बेकार। अरे सुनो, मैं सुनो, इनकी सबकी पेंशन, विधायक की, MP की, जयपुर MP हो जाएगा हमारी पेंशन, इमीडिएट वाली सबकी पेंशन खत्म कर दी उन्होंने, तो सरकार बढ़िया घटिया, घटिया सरकार बढ़िया कहाँ से आ गई? बहुत अच्छा काम लग रहा है, बहुत खराब, बच्चों की नौकरी सारी खा के खराब है बिल्कुल। तो इस सीट से क्या देख रहे, कैसा रहेगा सामने? यह सीट लोक दल की निकलेगी, लोकसभा, ये कराना लोकसभा है भाई, कराना लोकसभा का हम बता देंगे। अच्छा जी, कराना के बता, कराना को बता रहे, इकरा सन का गठबंधन में है, मगा इकरा सन का बढ़िया फर्स्ट क्लास, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। दो चार काम तो बताओ, अरे काम ही काम होने लग रहे हो, और इससे ज्यादा क्या काम है? कौन सी लोकसभा में ये तो बताओ। हमारे यहाँ तो सर, सुनो, हमारे यहाँ तो लोक दल ही जीतेगी और लोक दल के सभी आदमी यहाँ, ठीक हो? सुनो, थे इनके भी थे, इनकी भी थी वोट, पर भाई बताई हमारे बच्चे काम है, इसका करना काम है बताओ तुम्हें? लेकिन बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही, ज्यादा बढ़ रही, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ क्या चीज़ है उन्होंने, उसका कुछ हुआ इस तरह की? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया, और खा गए। 60,000 पुलिस की भर्ती में 48,00,000 फार्म है, जनता के कई मुद्दे हो भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भाई अच्छा उसको चीजें मिले, सुरक्षा, मैं सुनो, तो इस क्षेत्र में काम कर पाई सरकार? इन्होंने तो सब जो है जनता है नहीं, या झिम्मा झोंका सब, ये सब उस कोटे पर लगा जोड़ दिए, नाच नाच दे रहे और मजा ले रहे, जब कोटा नहीं मिल रहा हूँ, जब भूखे थोड़े मर रहे हुई। आम आदमी होता है भाई, एक तरह से देश में अगर महंगाई बढ़े तो उसकी रसोई तक असर पड़े। हाँ, पड़ेगी, पड़ेगी। तो महंगाई आपको लगा कम हुई, जैसे सिलेंडर भी पहले 400 था, अब 200 रुपए घटाई अब आके, तो वो क्या आपको समझ में आवे वो चीज़? ये समझ में आ रही, ऊपर तो अड़सन आ रहे, अभी अपना दिखा लिया करके इन्हें पब्लिक को भगा लो, अब नौकरियां भी निकाल दी, इन्होंने सब खत्म कर दिया। कहाँ तो राम राज्य, राम राज्य करना का भूखे मरेंगे, यहाँ राम राज्य क्यों करना का पड़ा मरेंगे भूखे? सरकार कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता, गारंटी है ऐसा। अच्छा जी, आप बढ़िया काम कर क्या? अरे बढ़िया काम कर, बदमाश थे लुफे वाले, उन पर जोर पिट गया। अच्छा हाँ,
तो इनको क्यों नहीं अच्छी लगती? ये बता रहे और क्या कर रहा है? तो आप कह रहे हैं, अच्छा आप कह रहे हैं बदमाशी खत्म होगी, लेकिन लेकिन कई संस्थाओं के और सरकार के आंकड़े हैं, क्राइम में अपहरण जैसे मामले में यूपी आगे है, और आप भी यूपी में खत्म हो गई, खत्म हो गई, रिपोर्ट कर रही है सर। नहीं 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 जबंदर है भाई जी, बता लिया बता क्या कह रहे हैं, ट्रेन डाल लिया, बदमाशी खत्म हो रही, नंदा नहीं उतरा भाई जी, ठीक है। क्या नाम जी? जिना सर है जी। तो यहाँ खाना बना कर हाँ जी, अच्छा चलो जी एक मिनट आप खाना बनाओ जैसा, तो क्या फर्क लगा महंगाई में कुछ आपको असर दिखा, कुछ असर पड़ा आपके? क्या 400 450 सिलेंडर था, जब 1000 का ले रहे हो तो फर्क तो इतना है, दुगना फर्क हो रहा। अरे बिरी का आदत खराब हो ली, बिरी का खाके तो वही आई है, महंगाई ज्यादा है जी सरकार में। और कुछ सरकार ठीक है लेकिन महंगाई है, मजदूर के हक में कैसा लगे? कुछ काम तो ही नहीं कहीं भी, मजदूरी कहा रही जी, मजदूरी तो है नहीं कहीं भी, तो खाना बनाना पड़ेगा जी, मजदूरी खत्म हो गई, तो परिवार का काम चल रहा है? हाँ परिवार का चल रहा है, टाइम चल रहा है। क्या लगा 10 साल में किसानों को कुछ फायदा? किसानों को क्या फायदा हुआ बताओ? किसानों को तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं, मजदूरों को क्या फायदा हुआ बताओ? मजदूर बताओ, हम मजदूर हैं, क्या फायदा हमारा, हमारी कहाँ है बैठगी, घट गई। और हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में थे यहाँ, और ये शामली के सिसोली अड्डा पड़ता है जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, इसी से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।